नमस्कार दोस्तों, गोल और करियर के बारे में विवेकानंद जी के विचार। दोस्तों, आप एक आइडिया लीजिए और आइडिया को अपनी ज़िंदगी बनाइए, उसी के बारे में सपने देखें और उसी के बारे में सोचें और उसी के साथ जिए, मन दिमाग शरीर, यहाँ तक कि शरीर का एक एक नस, शरीर का हर एक अंग उसी सोच में हो और उसके बाद किसी और विचार के बारे में सोचे भी नहीं, यही है सफलता की सच्ची राह। हाँ, ये सच है कि तुम्हें अपने जुनून का पीछा करना होगा, लेकिन आजकल जुनून के मायने बदल गए हैं, लोग इसे अलग तरह से देखते हैं। लेकिन जुनून का मतलब है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए बहादुरी से गोल के लिए आगे बढ़ना। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तब उसके मन और दिमाग में ऐसी कोई भावना नहीं होती। दिन प्रतिदिन जब उसकी उम्र बढ़ती है तो अपने दिमाग में कई तरह के विचार भर लेता है। इसी तरह लोगों के दिमाग में जुनून को लेकर एक गलत परिभाषा भी है। वैसे जुनून भगवान की देन नहीं है। जुनून के बारे में जो भी व्यक्ति सोचता है शायद वह समाज के द्वारा फैलाई गई गलत बातों का नतीजा है। और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ क्या कर रहे हैं? आजकल लोगों में जुनून और धैर्य नहीं है। कुछ लोग अपने शौक या अन्य चीज़ों को अपना जुनून मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बंदा मानता है कि गाना गाना उसका जुनून है, हालांकि वह इतना अच्छा नहीं गाता, वो सिर्फ संगीत का शौकीन है और वो बस गाना गुनगुना लेता है। वहीं एक अन्य व्यक्ति है, उसका भी मानना है कि गाना गाना उसका शौक है, लेकिन वह बहुत अच्छा गाता भी है और लोग उसे पसंद भी करते हैं। पहला व्यक्ति लगातार गाता है और पिछले 10 साल से लगातार प्रयास कर रहा है। उसने अपने कई एल्बम निकाले हैं, वह सफल गायक बन गया है। वहीं दूसरा गायक जो बेहतर गाता था, आज इंजीनियर की डिग्री लेकर किसी कंपनी में काम कर रहा है। इंटरव्यू के दौरान गायकी को अपना शौक भी बताता है। यदि उसमें जुनून होता तो वो अच्छा गायक बन सकता था, क्योंकि वो पहले से ही अच्छी आवाज का मालिक है। यहाँ समस्या ये है कि लोग समझते हैं कि जुनून का मतलब कुछ दिन की दीवानगी है और क्षण भर में सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप किसी चीज़ के प्रति जुनूनी होते हैं तो उस पर कार्य करते रहें और एक दिन कामयाबी आपको मिलेगी और सफलता की राह भी यही है। विवेकानंद जी के विचारों में इस बात को बड़ी गहराई से समझाया गया है। उनके विचारों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास कई राह होती हैं। पहले आप अपने गोल को सोचें कि करना क्या है, फिर जुनून के साथ उसके पीछे लग जाएं, खुले विचार से आगे बढ़ें और आगे चलकर यही सफलता आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी होगी। चीज़ें बहुत आसान होती हैं, उन्हें मुश्किल हम बना लेते हैं। जुनून की तलाश सभी को है, लेकिन तलाश करनी कैसे है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग इस बारे में बिल गेट्स और अंबानी जैसे सफलता लोगों की बात करते हैं, क्योंकि वह सफल हैं। इसका एक ही कारण है कि उन्होंने अपने जुनून का पीछा नहीं छोड़ा। कौन कहता है कि आप बहुत सारा पैसा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बनाने के लिए जुनूनी हो जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉरेन बफेट जिन्होंने अपनी शुरुआत की थी तो वह महज 12 साल के एक छोटे बच्चे थे, लेकिन अपने जुनून के साथ आगे बढ़ने पर ही आज वह विश्व के सबसे इंटेलिजेंट और आर्थिक रूप से संपत्ति में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं। मेरे हिसाब से 12 साल का बच्चा यह समझता है कि वह अपनी पूरी मेहनत से क्या कर सकता है और धीरे धीरे वो कब जुनूनी बन जाता है। फिर आपको अपने जुनून से प्यार होने लगता है और आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसके पीछे लग जाते हैं। सच तो यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की शुरुआत करता है तो उसके शुरुआती परिणाम जो शायद इतने अच्छे नहीं होते, वह परेशान हो जाता है। हालांकि ये इंसानी नेचर है
और जब वो व्यक्ति किसी स्टेज पर आकर उस चीज को छोड़ देता है तो कुछ नया करने की कोशिश करता है तो उसके लिए वहीं से शुरू हो जाती है। सच तो यह है, पहली बार हम जब काम करते हैं उसमें काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन जब बार बार वही काम करते हैं तो हम बहाने ढूंढने लगते हैं और हमारा उस काम में रुचि कम हो जाती है। आखिर में हम कहते हैं कि शायद यह हमारा जुनून नहीं है। हम हर चीज़ के सुखद परिणाम बहुत जल्दी चाहते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ पैसा कमाने के लिए शुरुआत की हो तो हमें उम्मीद होती है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लिया जाए। अगर शुरुआत से पैसे मिलता है तो हमें उससे मोटिवेशन मिलती है, लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ तो और हमें सफलता नहीं मिली तो वहाँ हमारा पैसा जवाब दे देता है। लेकिन अगर हम इसके बाद भी उस चीज़ के प्रति लगे रहते हैं तो वो होता है हमारा सच्चा जुनून। अगर ये बात को एक लाइन में कहा जाए तो बहाने मत ढूंढिए, काम कीजिए, अपना पूरा जीवन अपने दिमाग और काम को दीजिए, उसके परिणाम आपके किए गए प्रयासों के ऊपर निर्भर होंगे। पूरी मेहनत और जुनून से आगे बढ़ें और अपने काम से मोहब्बत करें, इसका परिणाम सुखद होगा। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि दुनिया में जादूगरी कुछ भी नहीं है। अपने गोल को कैसे बनाएं? आपका गोल आपके कभी शंकाओं से छोटा ना हो, अपनी क्षमता को बढ़ाएं ताकि आपका लक्ष्य ऊंचा हो। लेकिन जब हम जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें अपने गोल को सेट करना होता है, जिससे हमें स्पष्ट रूप से ये पता हो कि करना क्या है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं लेकिन उम्मीद के मुताबिक अगर परिणाम नहीं होते हैं तो इंसान के फितरत के अनुसार हम उस काम से बाहर होने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने कुछ गोल सेट कर लिया है कि आपको क्या करना है और सिर्फ यही करना है तो शायद आपके लिए आगे की राह मुश्किल नहीं होगी। आपका गोल, आप क्या कर सकते हैं, उसके अनुरूप होना चाहिए। वैसे आप क्या कर सकते हैं इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन आप कितने काबिल हैं अपने गोल को लेकर, यह बात आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। आपको कामयाबी मिले या ना मिले, पर एक बार मेहनत ज़रूर करें, क्योंकि वो काम शायद आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। शायद ही नहीं, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अपना लक्ष्य सोच लें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।